हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल सो फ्रेंड्स द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इंटरनेट इट्स एप्लीकेशंस एंड स्कोप सो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएट पहुंच जाए इंटरनेट दोस्तों होता है इंटरनेशनल नेटवर्क इसको आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं या फिर ये क्या होता है एक मीडियम होता है जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं वो डिवाइस क्या हो सकते हैं लाइक लैपटॉप्स कंप्यूटर्स मोबाइल फ़ोन्स ये कनेक्टिविटी किसके थ्रू पॉसिबल है वाया इंटरनेट सो इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स दैट लिंक्स द डिवाइस वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी बैठे हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप बैठे एक प्लेस पर और आपका डाटा कहीं और पड़ा है कंप्यूटर पे, तो वाया इंटरनेट आप अपने डाटा को कहीं पर भी बैठकर अपने किसी और प्लेस पर पड़े हुए कंप्यूटर से असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस पासवर्ड्स ठीक है अब हम देखते हैं जो इसके नेटवर्क टाइप्स हैं ये नेटवर्क जो टाइप्स होते हैं लाइक like, बिल्कुल जो सेंटर में है पी ए एम दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि हम घर में लगवा लेते हैं अपना वाई फाई दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारे कुछ स्क्वायर मीटर्स तक लिमिटेड होता है देन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क लैन ये होता है लाइक like, 10 मीटर या फिर 100 मीटर्स 1 किलोमीटर डिपेंडिंग कि कितना एरिया uh, हमने कवर करके लगवाया है तो लाइक like, हमारे जो स्कूल्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं उसमें वाईफाई की फैसिलिटी होती है विद इन द कॉलेज रेंज देन इज़ मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो ये विद इन अ सिटी टाइप होता है नीचे मेंशन किया हुआ है इसकी रेंज होती है 10 किलोमीटर्स के दौरान नेक्स्ट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क दिस इज़ अबव ऑल द नेटवर्कस ये सभी से ऊपर होता है बिकॉज इसकी जो रेंज होती है ये होती है कंट्री लेवल तक यानी कि थाउजेंड किलोमीटर्स तक नाव वी विल मूव ऑन टू द एप्लीकेशन इन एजुकेशन देखिए इंटरनेट के बिना आज तो कल तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं एंड स्पेशली नाव जब हमारा ऐसा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो जो सारी एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हो रही है जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सो so, इंटरनेट एनहांस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट ओपन्स डोरवेज टू वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अब देखिए आप इंटरनेट पर ही अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास अ नंबर ऑफ साइट्स खुल जाएंगे जिससे से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है सो so जैसे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसके रिगार्डिंग वैसी देख सकते हैं तो इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं ऑनलाइन मटेरियल सर्च कर सकते हैं टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए है। तो रिसर्च वर्क अगर अगर कैरी करना होता है एक टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो वो क्या होती है एक रिसर्च वर्क के लिए हेल्प करती है Then, जो तो जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम होते हैं जैसे आज कल स्कूल स्टूडेंट्स की आई मीन क्लासेस चल रही हैं online, with, with माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो ऑनलाइन क्लासेस है स्टूडेंट्स की चल रही हैं तो डेट आर स्मार्ट क्लास रूम्स दैन आप ई बुक्स जर्नल्स ई ट्यूटोरियल्स मैगजीन्स एट्सट्रा ये सारी क्या है इंटरनेट से देख सकते हैं जैसे आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है वही न्यूज़पेपर पेपर एज इट इज़ इंटरनेट पे भी अपलोड होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ई इसीलिए आगे लगता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज होता है ये नेक्स्ट इज रिमोट एरियाज असेस अब कहीं एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर टीचर्स नहीं होता तो इंटरनेट तो देखिए हर जगह पर ही हमें मिल जाता है तो वेरी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टू असेस वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम द रिमोट एरियाज ऑल्सो अब एडमिशन की बात ले लिए ले लो या फिर फ़ीस की बात ले लो रिजल्ट्स डिकलेयर होते हैं सारे आजकल सिस्टम ये क्या हो गया ऑनलाइन सिस्टम हो गया आप जहाँ पर भी हैं अपने फ़ोन पर वेबसाइट ओपन करके देखें फी पेमेंट कर, कर दीजिए ऑनलाइन अपने रिजल्ट्स दे सकते हैं यूजुअली हम फोन पर भी ये सारा काम कर लेते हैं तो दिस थिंग वी कैन ऑल्सो डू ऑन अवर लैपटॉप एंड कम्प्यूटर्स तो टीचर्स जो है होमवर्क भी असाइन करते हैं बच्चों को असाइनमेंट देते हैं बाय इंटरनेट अब हम देखेंगे इसका स्कोप क्या है स्कोप मी इंटरनेट इन फ्यूचर इसका स्कोप कितना है और किस फील्ड में है सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये इस चीज़ को जितना डिस्कस कर लो उतना थोड़ा है तो एजुकेशन में आप खुद ही लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के बिना एजुकेशन आजकल पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंटू द स्मार्ट एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल मेडिकल लाइन में जो एक्सरेज होते हैं ठीक है थीके, जो बेसिकली स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क करते हैं अपना मेडिकल फील्ड में भी वो सारा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही होता है नेक्स्ट हम शॉपिंग करते हैं अमेजोन हो गया फ़्लिपकार्ट एंड वेरियस अदर एप्लीकेशंस ठीक है तो हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी ई e शॉपिंग करते हैं बुकिंग होती है टिकट्स की रिजर्वेशन करवाते हैं देन इज़ द गेमिंग आजकल बहुत क्रेज़ है इस चीज़ का गेमिंग ऑनलाइन गेम खेलते हैं लूडो खेलते हैं पबजी बहुत बच्चों में आजकल उस चीज़ का क्रेज़ है तो वो क्या है सारा ऑनलाइन दैन इज़ एंटरटेनमेंट तो हमारे पास प्राइम अमेजोन की वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ एंटरटेनमेंट सॉन्ग म्यूजिक सब कुछ अवेलेबल है देन इज़ एडवरटाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही है देन इज़ बैंकिंग तो बैंक में से अगर आपने अपनी मनी डिपॉजिट करवानी है विदड्रॉ करवाना है कुछ अकाउंट में इधर उधर करने हैं मनी तो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू ई बैंकिंग ओके ज वेदर फॉरकास्ट हम हमारे मोबाइल पे ही हम देख लेते हैं कि आज अगर 31 डिग्री टेम्परेचर है तो कल टेम्परेचर कितना होने वाला है इस हफ्ते रेन होने वाली है या नहीं होने वाली तो ये सारा वेदर फोरकास्ट ऑनलाइन हमें खुद ही मिल जाता है नाउ द लेटेस्ट थिंग यू कैन एड अप हेयर इज द जोमेटो स्विगी आरोग्य सेतु ऐप जो अभी कोविड 19 में हमें दिया गया है ठीक है ये इंटरनेट से ही पॉसिबल है इंटरनेट आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेट इट्स एप्लीकेशनज एंड स्कोप तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई आप टॉपिक और समझना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आई विल अपलोड द वीडियो वेरी सुन और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें कीप वॉचिंग